गाइस मैं रिकमेंड करूंगा जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली वॉक इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। ये है नोएडा सेक्टर 59 में, आप देख सकते हैं गाइस करंटली हायरिंग ऑन हो गई है। लिमिटेड जो कि नोएडा के टॉप बीपीओ कंपनी में से एक है और इसमें डोमेस्टिक प्रोसेस और इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस, चैट प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस के लिए यहाँ पे हायरिंग चलती रहती है। और गाइस करंटली इसमें काफी बल्क में इसमें हायरिंग ऑन हो गई है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है डोमेस्टिक प्रोसेस में जाना चाहता है या अपना करियर आई इंजीनियरिंग के साथ बनाना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। गाइस ये सारी चीजें मैंने खुद ऑब्जर्व की है फेस टू फेस, मैंने सारे वहाँ पे राउंड्स क्लियर किए हैं। बेसिकली मैं एक एक्स एम्प्लॉय रह चुका है इंजीनियर का और बेसिकली करंटली इसमें हायरिंग ऑन हो गई है। मैंने खुद वहाँ पे फेस टू फेस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा है, सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ही मैं आपको जो है कन्फर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाइस तो गाइस जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है पैन इंडिया से कहीं से भी है लेकिन ये वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है तो आपको नोएडा बेसिकली लोकेट होना पड़ेगा। गाइस तो गाइस करंटली जो लोकेटेड है एक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। गाइस गाइस आईएनजेड की बात करें बेसिकली फिर डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए हायरिंग चलती रहती है। और गाइस आप कंपेयर करेंगे कोई अदर कंपनी बीपीओ कंपनी की तो यहाँ पे सैलरी आपको इंक्रीमेंट ही आपको देखने को मिलेगी। लाइक अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज है उससे भी लो है तो भी आपको जो है कोई ना कोई प्रोसेस आपको दे देती है लेकिन सैलरी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके कॉन्फिडेंट और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगी। गाइस तो गाइस ये आप फिक्स सोच के मत जाइए कि मुझे इतने थाउजेंड या इतना लाख का मेरा पैकेज यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ये टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे। अगर आप फ्रेशर भी हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सलेंट भी है तब भी आपको एक हैंडसम सैलरी इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस या चैट प्रोसेस आपको दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है सैलरी आपको जो थोड़ा हैंडसम देखने को मिल जाती है लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज होता है तो उस केस में आपको डोमेस्टिक प्रोसेस ये प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि उसमें भी आपको एक अच्छा पे स्केल देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है फ्रेशर है तो 18,000 से लेकर 25,000 तक आप सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सलेंट। अगर आप 12th पास हैं 12th में मिनिमम यहाँ पे 15,000 सैलरी देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये सारे मैंने आपको जो प्रोसेस आपको बता दिए तो कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो या तो एयरटेल के लिए आप जा सकते हैं, ड्रीम इलेवन के लिए जा सकते हैं, मल्टीपल आप प्रोसेस होते हैं गाइस, तो ऐसा फिक्स यहाँ पे कोई भी नहीं है गाइस। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने एचआर की सारी डिटेल्स आपको जो प्रोवाइड कर दी है, काफी बल्क में इसमें हायरिंग चल रही है फॉर इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस और चैट प्रोसेस और डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए गाइस। तो गाइस चलिए मैं आपको जो कंप्लीट यहाँ पे विजिट कराता हूँ इन आईएनजेड। अगर आप आईएनजेड विजिट करना चाहते हैं तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है नोएडा सेक्टर 59। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन कैसे हैं आप लोग, तो अभी मैं हूँ आईएनजेड सेक्टर 59 में, तो करंटली यहाँ हायरिंग ऑन हो गई है फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप कभी भी विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं, कोई भी आपको रेफरेंस यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। ये पड़ता है इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो नोएडा सेक्टर 59 है, तो कभी भी आप आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो यहाँ डायरेक्टली आ सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, यहाँ हायरिंग चलती रहती है। सो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली वॉक इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। ये है नोएडा सेक्टर 59 में, आप देख सकते हैं गाइस करंटली हायरिंग ऑन हो गई है। सो गाइस अगर आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th पास कंप्लीट हो गई है या ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है तो डायरेक्टली आप वॉक इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं गाइस। सो गाइस गेट नंबर 2 है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। पहले यहाँ पे जो हायरिंग का जो गेट था वो गेट नंबर 1 था वहाँ पे, लेकिन वहाँ से अभी हायरिंग नहीं होती है, ये इनका एचआर का जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है नए बिल्डिंग में। तो अभी अगर आप इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं तो आपको एक यहाँ पे सीवी कैरी करके ले जाना है और अपना एक कोई भी आइडेंटिफाई प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप कैरी करके ले जा सकते हैं, डेफिनेटली आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। गाइस अगर आपके पास वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर कैरी करके ले जा सकते हैं, बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप जो है अपना अपडेटेड सीवी और कोई भी आइडेंटिफाई प्रूफ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं गाइस।